आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना काम सही से आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं और क्वालिटी लेस होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप क्रिएटिव या तो स्ट्रैटेजिकली काम नहीं कर पाते हैं। तो दिस आर फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो देखिए। क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन फॉर ईच टास्क, गिव अ इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी टास्क एंड सेट द प्रायोरिटीज। और प्रायोरिटीज में आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज आपको पहले करनी है, कौन सी चीज आपको बाद में करनी है, कौन सी चीज आपको डेलीगेट करनी है और कौन सी चीज आपको डिलीट कर देनी है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सबसे डिफिकल्ट वाले टास्क है उसको कीजिए, उसके बाद उसके सिमिलर टाइप के टास्क है कि जो थोड़े डिफिकल्ट है या तो फिर ज्यादा टाइम है तो उनको कीजिए। सेट अ रीजनेबल टाइमलाइन फॉर ईच टास्क बिकॉज यू हैव टू कोऑर्डिनेट, यू हैव टू डिस्कस समवन, तो उसके लिए। एंड एक चीज आप मत भूलिए कि अगर आपको कहीं पे भी ना कहने की जरूरत पड़े तो उसमें आप कोई हिचकिचाहट मत महसूस कीजिए। एंड स्पेशली अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक साथ में दो तीन चीजें आप मत करिए। अपना वर्क प्लेस है उसको एकदम क्लीन रखिए। सेकेंड थिंग इज, आपकी जो भी फाइल्स है वो इजीली आपको मिल जाए उस तरीके से, आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या तो फिर आपके कबोर्ड्स में आप रख रहे हैं तो वो सही तरीके से रखिए। एंड यूज कैलेंडर, और बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के टूल्स भी आ रहे हैं, दैट ऑल्सो यू कैन यूज इट। थैंक यू।